हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वीवो T1 5G की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट स्टार्ट। यह है वीवो T1 5G। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इसके प्राइस के बारे में भी बताऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। यह मुझे फ्लिपकार्ट से मिला है, जब मैंने ऑर्डर कर दिया था तो एक दिन बाद आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको काटते हैं। काटने के लिए अपना पुराना देसी जुगाड़ है, हो गया। चलिए खोलते हैं। ये तो रहा खाली डब्बा, लेकिन आपको स्क्रीन वॉच दिखा देते हैं। तो देख लो, ये है मेरे नाम से, अजय कुमार के नाम से, ये बनिया इनवॉइस। तो चलिए, ये आया है वीवो टी वन 5G। ये इसकी स्पेसिफिकेशन है, मेड इन इंडिया, स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर, जो कि एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। इसका रिफ्रेश रेट है 120Hz और इसकी स्क्रीन साइज है 6.67 इसमें है सेंटीमीटर थिकनेस, और इसकी थिकनेस 8.25 स्लिम डिज़ाइन। यह है इसके बारे में, और आप पढ़ सकते हैं। ओपन करते हैं बॉक्स, चलिए शुरू करते हैं। ये रहा खाली केस, यह है वीवो, देखते हैं इसमें क्या है। ये भी रहा खाली डब्बा, यह है इसका प्रोटेक्टिव केस, यह है इसकी मेनू, ये इसके साथ में आता है प्रोटेक्टिव केस। अब यह है मेनू, जो कि इसको ऑपरेट करने के लिए चाहिए होती है। अब देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। मोबाइल फ़ोन, जिसकी हमें ज़रूरत थी। देख लो, इसकी स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इसका ये वाला कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, ये है 2 मेगापिक्सल का, और ये भी है 2 मेगापिक्सल का। ये है फ्लैश, ये 5G मोबाइल है वीवो T1 5G। तो इसको अभी ओपन करते हैं, लेकिन और भी देखते हैं क्या। और देखते हैं इसका ये कवर रहा। अब इसके कवर में मिला है ये एडेप्टर है, ये वाट कितना है पता नहीं, ध्यान नहीं है। ये इसका एडेप्टर है, इसका एडेप्टर है ये वीवो का, और ये है इसकी सी टाइप USB केबल, डाटा केबल सी टाइप 2 USB। USB का पोर्ट है, इसमें भी USB है। तो ये तो है इसकी एक्सेसरीज। ये है इसका सिम इजेक्टर, जो इस प्रकार से भेजा जाता है। तो ये तो रही हमारे मोबाइल की बात। और दोस्तों, इसमें हम आपको इसकी इनवॉइस भी दिखाते हैं, क्या कितने रुपए का आया था। तो चलिए आगे वो भी आपको दिखाएंगे, वीडियो में बने रहें। ये आपको ऑन करके दिखाना है, इनवॉइस भी आपको दिखानी है। निकल जा, इसको फाड़ना नहीं है, क्योंकि इस पर भी लिखा है दिस प्रोटेक्टर कंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ कीप इट फॉर फर्दर यूज। इसलिए इसको फाड़े ना, फर्दर यूज के लिए इसे रखें। अब देखते हैं इसे हैंडसेट को ऑन करते हैं। हो जा, हो गया। दोस्तों कैसा लगा बताना ज़रूर, अपना ओपिनियन कमेंट में देना। इसका फ्लैश लग रहा है, जो मोबाइल से फ्लैश चल रहा है उसका, अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। वीडियो को फास्ट कर देना। ये ओपन हो गया, जा रहा है इंग्लिश यूनाइटेड या कौन सी इंग्लिश सेलेक्ट करनी है। एक्सेसिबिलिटी सेटिंग स्टार्ट करते हैं, इंडिया अपना कंट्री सेलेक्ट करते हैं, इंडिया और स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। एग्रीमेंट एंड टर्म कंडीशन, आई हैव टर्म ऑल, देखते हैं कितने से। सेंड यूजर्स एंड डायग्नोस्टिक्स इंफॉर्मेशन ऑप्शनल, ये छोड़ो बस इतना काफी है। कनेक्ट टू वाईफाई सेलेक्ट नेटवर्क, अभी किसी में सेटअप ऑफलाइन पर चलते हैं। सन इन टू योर गूगल अकाउंट स्टोर एंड डाटा, ये चलते हैं कोलकाता में। यहाँ अपना टाइम न्यू दिल्ली का सेलेक्ट करते हैं, वो इसमें दिल्ली तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हम कोलकाता प्लस GMT प्लस 5:30 को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें आज मंगलवार तो नहीं है, ये टाइम 23 डालते हैं, ये महीने पर चलते हैं जनवरी 2 मंडे, ये सेलेक्ट हो गया। टाइम अभी हमारा हो रहा है 12:04 हो जा, ठीक है ओके। ये हो गया, ये हमने ओके कर दिया, गूगल सर्विस रन हो रहा है। ये थोड़ा एडजस्टमेंट के इसमें अलाओ, अब गूगल सर्विस है तो ऐसा करना पड़ेगा, देखता हूँ कुछ ना करने से होता रहा। यूज लोकेशन सेंड यूजर डायग्नोसिस, चलो बिना उसके हो जा रहा है। स्क्रीन लॉक फेस लॉक, ये अभी स्किप करते हैं और चलते हैं मल्टी स्क्रीन पर। स्मार्ट अपग्रेड परमिशन फॉर सिस्टम ऐप, लॉक स्क्रीन पोस्टर, TWS क्विक चार्जिंग, इसको भी आगे बढ़ाते हैं। ये क्या है, 3-बटन नेविगेशन, गेस्चर नेविगेशन, अभी 3-बटन पे रखते हैं, एक्सपीरियंस हो जाएगा तब देखते हैं। फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉन्ग्रेचुलेशन योर फोन इज रेडी यूज ना। देख लो दोस्तों, पहली बार यूज कर रहा हूँ इसको वीवो T1 5G को, तो यही है। अब इसमें देखो, ये पहले से ऐप दे मारे हैं, ये क्या क्या फलाना ढंका हटाने पड़ेंगे बहुत सारे। दोस्तों ये तो रही मोबाइल की बात, ठीक। दोस्तों अपना रिव्यू जरूर देना कमेंट में, कैसा रहा मोबाइल, और इसका जो भी एक्सपीरियंस होगा मैं आपको बताऊंगा जब 4-6 दिन में जब यूज़ करूँगा इसे। अब मैं इसकी इनवॉइस दिखाता हूँ आपको, जिससे कितने रुपए का मुझे ये पड़ा है। तो देखिए, ये है टैक्स इनवॉइस ऑपरेटेड थ्रू फ्लिपकार्ट, तो ये है सोल्ड बाई हेल्थ हैप्पीनेस प्राइवेट लिमिटेड। अब ये शिपिंग एड्रेस, ये मेरा एड्रेस है अजय कुमार मित्सुशी इलेक्ट्रो ऑटोमोटिव इंडिया सेक्टर 5 IMP मानेसर हरियाणा। अब ये बिलिंग एड्रेस भी मेरा ही है। अब ये है जो कितने रुपए का मोबाइल है, वीवो T1 5G रेनबो फैंटास्टिक 128। यह है
14,186.44 का तो ये मोबाइल का प्राइस है, और जीएसटी इस पर लगी है सेंट्रल की और स्टेट की, यूटी या स्टेट गवर्नमेंट की लगी है 9% तो ये 1,277.78 ये तो हुए उसके जीएसटी के, और ये टोटल रुपये बने हैं 16,740 का मोबाइल बनाया। और इसमें क्या है, शिपिंग चार्ज लगा इसमें 49 रुपीज़, और इसमें डिस्काउंट मिला है मुझे 2,050 रुपये का UPI ट्रांजेक्शन पे, तो इसका फाइनल मुझे पेमेंट करना पड़ा 16,789 रुपये का। तो दोस्तों ये तो रही इसकी इनवॉइस कितने रुपये का ये मुझे पड़ा है। ये लिखा है एक चीज़ ध्यान रहे, द गुड्स सोल्ड आर इंटेंडेड फॉर एंड यूजर कंजप्शन नॉट फॉर रीसेल, मतलब ये खरीदने के बाद में दोबारा सेल के लिए नहीं है। तो दोस्तों ये तो रही इसकी यूजर मैनुअल जो भी है, अब इसका मैनुअल में कुछ मेरे लिए काम का है, आपके लिए काम का है कि नहीं है मुझे नहीं पता। हाँ इसका वारंटी कार्ड वगैरह इसी में है, वो भी आपको दिखा देते हैं। चलो अपना देसी जुगाड़ से निकाल लेते हैं इसको, क्योंकि स्मार्ट कार्ड है, ये है वारंटी कार्ड, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वारंटी कार्ड कहाँ पर है इसका लिखने वाला वारंटी कार्ड वगैरह, ये वो वारंटी कार्ड सेकंड कॉपी, यहाँ पर अपना एड्रेस नाम वगैरह फील्ड वाइज कस्टमर यहाँ अपना भरना होगा, देख लो अच्छे से, ये है वीवो वारंटी कार्ड। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और दोस्तों इसका जो सेकंड पार्ट लेके आऊँगा इसका मतलब मोबाइल का रिव्यू कैसा रहा, और इसको चलाने के बाद एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो इसको कुछ समय बाद लेके आऊँगा, करीब 10-15 दिन इसको यूज़ करने के बाद, जिससे आपको ऑनेस्टली रिव्यू दे सकूँ। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, हैव ए नाइस डे।